रहे हैं चेव की सब्जी, और दीदी स्पेशल है, मुझे नहीं आता है ये बनाना। आज हम लोग का दीदी बनाएंगी खाना। दीदी का हाथ का बहुत टेस्टी होता है, मैंने पहले एक बार खाया था यहाँ पे आके। और ये हम नेपाल पे घर पे ही बनाते हैं। पढ़ना के बन सकते थे नेपाली में था भाई। चाय बन चुका है, दाल भी बन चुका है, दीदी ने यहाँ पे सब्जी की तैयारी भी कर ली है। बच्ची पार्टी यहाँ पे रुके हुए हैं सब। और आज अचानक से प्लान किया कि बिरयानी खाते हैं, क्योंकि सब इकट्ठे जमा हुए हैं। और मेरे चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब भी कर दीजिएगा, और प्यारा सा कमेंट भी दे दीजिए। फिर भांजा है मुर्गी काट के, मुर्गी को यहाँ पे लटका दिया, और लटकाने बाद हम सबको बुलाया कि देखने के लिए, तो मैंने वहाँ पे वीडियो बना लिया। अच्छा लग रहा था देखने में। इसका आज बनने वाला है बिरयानी, चलो खाते हैं आज शाम सब परिवार मिल के बिरयानी। और उसके बाद अभी बिरयानी की साफ़ सफाई करना बाकी था, मुर्गी को उसके बाद की उसकी तैयारी करनी बाकी था। तो भांजा वो लेके आ गए, और यहाँ पे दीदी और दादा बैठ के मिल के उसको साफ़ सफाई करने लगे। और हम किचन में चले गए चाय बनाने के लिए। बड़ी दीदी व हस्बैंड की दीदी वो चाय बना रही थी। और ये है क्या पता नहीं, मैंने पहली बार देखा था। और आज चाय में है सेल रोटी, और ये बेली रोटी, और वो क्या था मुझे पता नहीं। और यहाँ पे पेड़ा भी था। सब मिलके हम लोग चाय बनाने लगे, चाय पियेंगे, उसके बाद हम लोग वहाँ पे क्या क्या काम होता है देखते हैं, फिर करते हैं। क्योंकि सब एक साथ होने से तो मज़ा भी आता है, और काम भी ज़्यादा होता है तो सबको मिल बांट के करना होता है। ये सासू माँ है मेरी, और यहाँ पे ये भांजी दिखा रही थी पेड़ा। और सब मिल के चाय पीने लगे। चाय पीने के बाद सब बाहर जाके अभी क्या करना है वो देखते हैं, क्योंकि बाहर पे भी बहुत लोग आ चुके हैं। पूरा पांच बहनें और उनके पूरा पांच बहनें हैं हमारे, तो यहाँ पे तीन दीदियाँ आसपास हैं। उन लोगों को जीजू भांजा भांजी सबको बुलाया था खाने के लिए। फिर यहाँ पे मुर्गी कट के तैयार हो चुका था, और मेरे हस्बैंड उसको पीस कर रहे थे छोटा ठीक ठीक मीडियम साइज़ में। और दीदी ने सोचा कि थोड़ा चिकन को फ्राई कर रहे थे, नहीं तो वो बिरयानी चावल के पास पूरा मिक्स हो जाएगा, इसलिए दीदी फ्राई करने लग गई। और यहाँ पे है मीना बुइनी दीदी और मेरे हस्बैंड, दोनों तीनों मिलके वहाँ पे थोड़ा मतलब उसकी तैयारी कर रहे थे। मैं इस साइड नहीं थी, मुझे यहाँ पे नहीं कुछ नहीं किया मैंने, तब मैंने किचन पे जाके मेरा थोड़ा बहुत काम था वो देखी। उसके बाद यहाँ पे बिरयानी बन चुका था, सब बिरयानी बैठ के बाहर पूरा परिवार खाने लगे। सब ने डिसीजन लिया कि बाहर खाएंगे अंदर नहीं जाएंगे। उसके बाद काकी सास आई, काकी सास को भी हमने किचन में बिठा के खिला दिया, और मैंने वीडियो बना लिया। फिर वहाँ से जब मैंने जाके देखा तो वहाँ पे धमाल भाउजू। ओ भाउजू मीना जी भन्नु के झेला के हो भाउजू, मनीषा त भाउजू हो, मनीषा त भाउजू। पूरा परिवार के साथ बहुत दिन बाद बहुत अच्छा लगा। और मेरा ब्लॉग अगर आप लोग को अच्छा लगता है तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब कर दीजिए, और प्यारा सा कमेंट छोड़ दीजिए। बाय बाय।